पंजाब पुलिस के ऑपरेशन अमृतपाल के 72 घंटे से ज्यादा अब तक हो चुके हैं, मगर अभी तक अमृतपाल सिंह कहां है पंजाब पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है। इस बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी खुफिया नाकामी और पुलिस की चूक को लेकर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पंजाब प्रशासन किसी को बख्शा नहीं बख्शेगा, वो लोग देशभक्त हैं और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहां फरार हो गया अमृतपाल, पंजाब में है या दूसरे राज्य में, देश में है या विदेश भाग गया, कहां छिपा है देश का दुश्मन। खुद को शेर बताने वाला, समर्थकों की नजरों में हीरो कहा जाने वाला और खालिस्तान की पैरोकारी करने वाला अमृतपाल सिंह गीदड़ की तरह छिप गया है। पंजाब पुलिस से लेकर देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। इस बीच राज्य सरकार ने चेतावनी दे दी है कि पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पंजाब सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन पंजाब हाईकोर्ट सरकार की कार्रवाई और अमृतपाल की फरारी पर नाराज है। सुनवाई के दौरान पंजाब हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जब ऑपरेशन तैयारी के साथ किया गया तो अमृतपाल फरार कैसे हुआ। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सिर्फ अमृतपाल को छोड़कर बाकी सारे कैसे गिरफ्तार हो गए, क्या यह खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है और इस कहानी पर भरोसा कैसे किया जाए। अदालत ने पूछा कि अमृतपाल को गिरफ्तार करने में लगे 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे। तो उन्होंने माननीय जज साहब ने भी बोला है भी जो इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने ज्यादा पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता भी भाई अमृतपाल सिंह के जो बाकी साथी सारे हैं। एडवोकेट जनरल साहब ने भी कहा भी बाकी जो साथी सारे हैं वो गिरफ्तार हो जाएं और भाई अमृतपाल सिंह ना हो, जज साहब ने कहा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस पे एक और बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है, एडवोकेट जनरल साहब ने ये भी कहा भी इसमें कोई भी फायरिंग नहीं की गई, सभी को बिना किसी फायरिंग किए गए उन्होंने पकड़ लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सख्त से सख्त कदम उठाने के संकेत दे दिए। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर कार्रवाई शुरू हुई तो सुरक्षा एजेंसियों के सामने ढेरों चुनौतियां भी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी कानून व्यवस्था बहाल रखने की। जलंधर समेत पंजाब के कई जिलों में सुरक्षा पुख्ता की गई है और जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अमृतपाल और उसके साथियों के ऊपर लगातार दबिश बनाई जा रही है। 72 घंटे बाद भी अमृतपाल फरार है, लेकिन उसके सात साथी हैं जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगाया गया है। काफी अरसे के लिए वो डिब्रूगढ़ असम में बंद रहेंगे, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि अमृतपाल जब भी मिलेगा उसके ऊपर भी NSA लगाया जाएगा। अमृतपाल की फरारी को लेकर हो रही किरकिरी के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि देश के खिलाफ किसी भी ताकत को पंजाब में कामयाब नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं। अमृतपाल सिंह पर NSA लगाया गया है, कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन 3 दिनों से पूरे देश की जुबां पर एक ही सवाल है कि आखिर अमृतपाल गया कहां। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।